तो गाइस आज मेरा एमबीपीजी जाने का मन कर गया, तो एकदम से गौरव भाई आ चुके हैं एमबीपीजी जाने के लिए। बहुत बढ़िया भाई, क्या सरप्राइज दिया तुमने आके। भाई साहब मैं सुबह पहुंचा यार इधर, 5 मिनट पहले कॉल कर रहा भाई कि एमबीपीजी चल रहे हैं और अभी भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। देखो भाई मेरी स्पीड देखो। तो गाइस हम एमबीपीजी कॉलेज में आ चुके हैं और ये हमारे पीछे देखिए ये एमबीपीजी लिखा हुआ है, आई लव एमबीपीजी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मेन गेट है, यहीं से लोगों की एंट्री होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, हालांकि पढ़ाई से ज़्यादा इनको पार्क में बैठने में मज़ा आता है। कभी कुछ देर बाद मैं आपको पार्क के भी नज़ारे दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सबसे फेवरेट एरिया एमबीपीजी का जो है पार्क। इसका वो एकदम खतरनाक वाला स्पॉट था वो अड्डा। हाँ यार गाइस मेरे को याद आ गई एकदम से उसकी अभी हम आपको बताएंगे कि मैं कहाँ पे बैठा करता था पार्क में, किसके साथ बैठा करता था वो तो नहीं बता सकता मैं आपको। बता दे, दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे उसकी तो होगी, लड़का थोड़ा ना हो गया। अरे उसने ब्लॉक मार दिया ना भाई। ओहो ऐसा है, दिल से उसने डिलीट कर दिया मेरे को। तो गाइस इसको भाई को सच्चा प्यार वाला कोई कभी नहीं था, सच्चा प्यार वाली कोई लड़की दिला दो यार। भाई 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 इतना क्या सोच रहा है यार? अरे यार भाई टूरू लव की याद आ गई यहाँ बैठे बैठे। अरे मिल जाएगी, मिल जाएगी भाई, नहीं मिल जाएगी? अरे भाई वही चाहिए ना यार, क्या बताऊँ, वही हाँ वही वाली चाहिए। तो गाइस इसकी वीडियो को, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके ट्रू लव तक पहुँचा दे। बस भाई आपके लिए सबके लिए दुआ करेगा, दुआ होगी भाई, दिल से दुआ लगेगी, दिल से, दिल वाली दुआ देगा ये। क्या भाई तेरे सच्चे प्यार के साथ मैंने तेरे को यहीं पे तो पकड़ा था यार, याद है कुछ? अरे हाँ भाई याद आ गया। देख ले आज ताला लगा है, ताला खोलो और सच्चा प्यार तेरे को यहीं मिलेगा, वही चाहिए ना, यहीं पे रहे। अरे उसने मेरे दिल पे ताला मार दिया है। अरे ये ताला देख इसको खोल, ये शटर का चीज है। ये सामने आपको दिख रहा है गाइस आई लव एमबीपीजी, हालांकि आई ऑल्सो लव एमबीपीजी, बट एक बार क्या हुआ कि हमें केमिस्ट्री में 0 नंबर दे दिए गए थे जिसकी वजह से आई डोंट लव एमबीपीजी। मेरे को क्या मतलब, हालांकि बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री में 0 नंबर दे दिए गए थे, हालांकि इस भाई के 1 नंबर आए थे। मेरे 3 थे साले। हाँ तो चल 2 और दे दिए, क्या उखाड़ लिया फिर भी थोड़ी पास था तू। गाइस 3 नंबर बहुत होते यार, 0 से बड़े होते हैं। पास तो फिर भी नहीं था, पेपर तो फिर भी देना पड़ा तेरे को। भाई 3 नंबर क्या रहा, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा। और फिर भी देख रहे हो गाइस कितना एक्साइटेड है लौंडा, फिर भी आया है, 3 नंबर आने के बाद भी एमबीपीजी में आया हुआ है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। तो गाइस आपके भी अगर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, घबराना नहीं है, खुश होना है। तो गाइस चल चल के बहुत थक गया हूँ मैं, अब यहाँ जाके मैं और गौरव थोड़ी देर पानी पी लेते हैं, थकान सी हो गई है भाई। ठंडा पानी है, कैसा हो रहा भाई पानी? बहुत ठंडा है भाई, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है। ये जो एरिया आपको मेरे पीछे दिख रहा है यह है प्राचार्य कक्ष, यहाँ पे आए दिन हंगामे होते रहते हैं, खासकर इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे धरनेबाजी नारेबाजी आए दिन होती रहती है। लोग यहाँ पे चढ़ चढ़ के हंगामा करते हैं और अपनी मांगे पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो भाई कैसा लगा यहाँ आके, तेरा बहुत मन था? ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ करके, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं पढ़ता यार इस कॉलेज में, मैं कॉलेज ही नहीं पढ़ता भाई, सब छोड़ दिया मैंने, कॉलेज वॉलेज का है मुझे नहीं पता। तेरी तो एक बार नौकरी भी लगी थी भाई, पर 35,000 रुपये की छोड़ी क्यों? छोड़ दी मैंने। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, जिला प्रशासन 9458977777, एम्बुलेंस 108, फायर 103। इनमें से किसी भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कभी तो ये नंबर को जरूर याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं कर सकते तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। सेफ गर्ल सेफ चाइल्ड।